जिंदगी में कई बार इंसान ऐसे मोड़ पर आता है जहां हर तरफ सिर्फ निराशा और दर्द दिखाई देता है। एक ऐसा समय जब लगता है कि शायद हम जो भी कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच कोई ऐसा भी होता है जो हार नहीं मानता, और शायद इसीलिए उसकी कहानी एक मिसाल बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महानायक की कहानी जिनका नाम हर एक दिल में गूंजता है, और वो है वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अगर आपने भी अमिताभ जी की कोई मूवी देखी हुई है तो उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि एक अनोखी जीजी विशा की है जिसने उन्हें एक आइकन बना दिया। 1950 और 60 के दशक में एक ऐसा शख्स जो अभिनय के सपने लेकर मुंबई आया। लंबा कद, गहरी आवाज और एक अलग सी ऊर्जा, लेकिन उस वक्त के फिल्म निर्माता वो मानते थे कि यह शख्स कभी भी पर्दे पर टिक नहीं पाएगा। आवाज इतनी गहरी कि माइक से भी भारी लगे, कद इतना ऊंचा कि कैमरा उसे पूरा पकड़ ही ना सके। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या उन्होंने उस वक्त हार मान ली होगी, पर नहीं। अमिताभ जी ने हारना नहीं सीखा था। शुरुआती असफलताओं के बावजूद वो अपना सफर जारी रखते रहे। वो कहते हैं ना, जो टूट कर भी ना टूटे वही असली हीरा होता है। फिल्म जंजीर में अपने गुस्से से भरे किरदार के साथ उन्होंने सिनेमा का चेहरा बदल दिया। क्या आपको याद है वो गुस्से में तपता हुआ नौजवान जिसने समाज के हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाई? उस किरदार में न सिर्फ अमिताभ की आवाज थी बल्कि हर उस इंसान का गुस्सा भी था जो अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकता। लेकिन क्या सिर्फ पर्दे पर यह गुस्सा दिखाना ही काफी था? क्या हमें अंदाजा है कि उस गुस्से के पीछे कितनी पीड़ा और कितने संघर्ष छुपे हुए थे? एक कलाकार का संघर्ष सिर्फ उसके किरदार तक सीमित नहीं होता बल्कि हर उस दर्द में होता है जो उसने खुद महसूस किया है। अमिताभ जी के जीवन में ऐसा भी वक्त आया जब एक दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई। क्या आप जानते हैं वो कौन सी मूवी थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी जान मुश्किल में पड़ गई। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हुए अमिताभ जी को देखकर करोड़ों प्रशंसक उनकी सलामती की दुआ करते रहे थे। उस एक घटना ने पूरे देश को जैसे हिलाकर रख दिया। लेकिन सोचिए, उस दर्द और कमजोर स्थिति में भी क्या वो हिम्मत छोड़ देते? क्या उस क्षण में उन्होंने सोचा कि अब उनका सफर यही समाप्त हो जाएगा? नहीं, उन्होंने उस मुश्किल घड़ी को भी पार किया। वह जिंदगी में फिर से खड़े हुए और अपनी वापसी के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो गिरकर फिर से उठे। अमिताभ जी का यह संघर्ष उनके फैंस के लिए भी एक संदेश था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी उन्होंने समाज को अपना कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश की है। जब देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं बढ़ने लगी तब उन्होंने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर गरीबों की मदद की। पोलियो उन्मूलन से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, हर अभियान में वह अपनी उपस्थिति से एक सशक्त संदेश देते रहे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने फैंस के लिए, अपने समाज के लिए इतना कुछ क्यों किया? क्योंकि उनके लिए सब एक जिम्मेदारी थी। वह मानते हैं कि जो लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं उनका यह फर्ज बनता है कि वह अपने समाज का भी भला करें, और शायद यही वजह है कि वह आज भी हर उस दर्द से जुड़ाव महसूस करते हैं जो लोगों ने सहा है। अमिताभ जी का जीवन सिर्फ एक अभिनेता का नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स का है जिसने हर चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। उनकी हर फिल्म में एक गहरा संदेश होता है, चाहे वह सत्यजीत रे जैसी कलात्मक फिल्मों में हो या फिर शोले जैसी मास एंटरटेनर में। हर किरदार में उन्होंने अपने जीवन का एक अंश जिया है। तो अगली बार जब आप उनकी फिल्में देखिए, उस किरदार में सिर्फ अभिनय ना देखिए बल्कि उस संघर्ष को महसूस करिए, उस प्रेरणा को जानिए जो हर एक संवाद में, हर एक हावभाव में छिपा होता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि अमिताभ जी की फिल्में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन के असली सबक भी सिखाती? अमिताभ बच्चन जी की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, इंसान अपने जज्बे से कुछ सब कुछ हासिल कर सकता है। चाहे वक्त कैसा भी हो,
अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। यही तो हमारे महानायक की सबसे बड़ी सीख है कि हार कभी अंतिम नहीं होती, संघर्ष करना ही हमें असली इंसान बनाता है। आज हम सब उनके इस सफर से कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में उस जज्बे को अपनाते हैं जो हमें हर चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दे। क्या आप भी उनके इस जज्बे को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अगर आपको भी अमिताभ जी की कोई मूवी का किस्सा याद है तो कमेंट में जरूर बताएं कि उनकी कौन सी फिल्म का डायलॉग जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अमिताभ जी के फैन है, और सब्सक्राइब करें। लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।